हेलो एवरीवन, तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिए हैं 2 कप मैदा और इसे मैंने छन्नी में डालकर एक बार अच्छे से छान लिए हैं। अब यहाँ हम लेंगे 1 कप दही, इसी के साथ हम लेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इसी के साथ अब हम लेंगे यहाँ 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब इन सबको हम अच्छे से गूंथ कर एक बढ़िया सा डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये डो बन के तैयार हो चुके हैं, तो इसे हम ढक कर 2 घंटे के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं शिमला मिर्च और प्याज, इसे हम काट कर पीसेस में बना लेते हैं। इसे हम थोड़ा मोटा ही काटेंगे। अब यहाँ मैंने लिए हैं 1 टमाटर और टमाटर को भी हम इसी तरह काट के अलग रख लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये डो बन के अच्छे से तैयार हो गया है ताकि हम पिज़्ज़ा बना सकें। तो इसे मैंने अलग निकाल कर इस पर लगाए हैं थोड़े से रिफाइंड और इसको मैंने इसी तरह मसलते हुए और अच्छे से गूँथ लिए हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम जितना अच्छा गूँथेंगे उतना पिज़्ज़ा हमारा बढ़िया बन के तैयार होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने थोड़े से और रिफाइंड लिए हैं, ये हाथ में थोड़े चिपक रहे थे। अब ये परफेक्ट डो बन के तैयार हो चुके हैं, तो इसकी मैंने 2 लोई निकाल लिए हैं। अब 1 लोई को हम थोड़े प्लेट पे इस तरह से फैला देते हैं। अब इसे हम किनारे पे थोड़ा मोटा ही रखेंगे। अब यहाँ मैंने लिए हैं 1 फोर्क और इसकी सहायता से मैंने प्रिक्स कर लिए हैं। इसके बाद हम लेंगे पिज़्ज़ा सॉस और इस पर मैंने अच्छे से पूरे पिज़्ज़ा पेस पे फैला दिए हैं। अब इसी के साथ लेंगे हम 1 चीज़ और इसे भी हम अच्छे से फैला देंगे पूरे पिज़्ज़ा पे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब लेंगे सब्जी और इसे हम अपने पसंद के अनुसार अच्छे से सजा लेते हैं। आपको कोई और भी सब्जी पसंद है तो आप उसमें ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम वापस से चीज़ और थोड़ा स्प्रेड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को प्री हीट कर लिए थे, इसी के अंदर हम रखेंगे पिज़्ज़ा की प्लेट और इसे मैंने बेक होने के लिए 20 मिनट तक छोड़ दिए थे। अब फ्रेंड्स देखिए 20 मिनट बाद ये पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो। फ्रेंड्स देखिए ये पिज़्ज़ा एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो चुके हैं, तो मैं आपको इसको काट के दिखा रही हूँ। तो ये कितने अच्छे से कट जा रहे हैं पिज़्ज़ा और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया बने थे। तो फ्रेंड्स आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएँ और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब।